नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम, वो भी ट्रिक से। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनका नाम कैसे याद करें, क्योंकि मैं आपके लिए जो है भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनका ट्रिक लेकर के आया हूँ। और ये ट्रिक बहुत ही ईजी है और आपको समझ में अच्छे से आएगी और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि आपका जो है सारा कंफ्यूजन, सारा डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ही ये सभी वीडियो बना के लाता हूं ताकि आपको जो याद करने में आसानी हो और आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है। अगर आप इसी तरह का वीडियो लेना चाहते हैं, इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है बचपन में MBA किया। अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने जितना भी रेड कलर से लिख रखा है यही आपका ओरिजिनल जो है ट्रिक हुआ, ठीक है। एक्चुअल में ट्रिक यही हुआ। और मैंने जो यहाँ पे दो शब्द छोड़ दिया, मैं और किया, इन दोनों को मैं सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए, एक अच्छा सा रूप देने के लिए इन दोनों का सहारा लिया हूँ ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे। जैसे देखिए, बचपन में MBA किया है, सुनने में कितना अच्छा लगता है, ये आसानी से याद भी हो सकता है, ठीक है। बचपन में ही क्या कर लिया, MBA कर लिया, यानी कि बचपन में MBA किया, सुनने में अच्छा लगा, ट्रिक भी याद हो जाएगी। बस आपको याद क्या रखना है, बचपन और MBA याद रखना। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे लिख रखा है बचपन और MBA, मेन ट्रिक आपका है बचपन MBA, बस आपको याद रखना बचपन में MBA किया, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बचपन और MBA में कौन कौन सा देश का नाम छुपा है और इसको कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए नीचे की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो पहला आता है बचपन, बचपन में पहला आता है आपका ब, ठीक है। ब से हो गया आपका बांग्लादेश, बचपन का पहला अक्षर आपका ब, ब से आता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका च, च से हो जाता है आपका चीन, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन। जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है प, प से हो गया आपका पाकिस्तान, जो कि पश्चिम में है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश ब से, च से चीन हो गया, प से पाकिस्तान हो गया। अब क्या बचा, न और MBA, तो देखते हैं न, न से हो गया आपका नेपाल, न से क्या हो गया नेपाल, क्योंकि बचपन का लास्ट अक्षर है न, बचपन लास्ट में आपका न, न से हो गया आपका नेपाल। ब से हो गया आपका बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे MBA, नेक्स्ट क्या है MBA, तो M से हो गया आपका म्यांमार, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। M से हो गया आपका म्यांमार, B से हो गया आपका भूटान, यानी कि बी एच से होता है ना भूटान, तो बी एच का जो है पहला लेटर क्या है, बी है, तो बी से हो गया आपका भूटान, ठीक है। फिर है आपका ए लास्ट में, तो ए से हो गया आपका अफगानिस्तान, तो बिल्कुल ईजी है। चलिए एक दो बार देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे पहला आपका बचपन MBA, ठीक है, बचपन MBA। तो ब से हो गया आपका क्या हो गया, ब से हो गया आपका बांग्लादेश, ब से क्या हो गया बांग्लादेश, च से हो गया आपका चीन, प से हो गया आपका पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, एम से हो गया म्यांमार, बी से हो गया भूटान, एस हो गया अफगानिस्तान, बिल्कुल ईजी है। इसको एक दो बार और देख लीजिए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए दिखा देता हूँ, बस हो गया आपका बांग्लादेश, बस हो गया बांग्लादेश, चौस हो गया आपका चीन, पास हो गया आपका पाकिस्तान। जब आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका यहाँ पे न, न वाला अक्षर, तो न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, और नेक्स्ट और अंतिम है अ, यानी कि ए से अफगानिस्तान, और मेरा नाम है अविनाश, तो ये तो मेरा नाम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, ए से अफगानिस्तान। तो इस तरह से जो है भारत का पड़ोसी देश था जिसका मैंने ट्रिक बनाया, बचपन में MBA किया, ठीक है, यही बस यही ट्रिक है बचपन MBA, इनको याद रखना है, बाकी बात भारत का पड़ोसी देश नाम खुद याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ट्रिक जो है पसंद आई होगी, साथ में वीडियो भी पसंद आएगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर अभी तक आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह का जो अच्छा अच्छा जो ट्रिक का
वीडियो मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।